मेरा नाम जीशान बाबा सिद्दीकी है, मैं बांद्रा ईस्ट से एक युवा आमदार हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा अगर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो वो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो रोज बाहर जाते हैं, काम करते हैं और उन पैसों से उनका घर चलता है। तो हमने यही सोचा है कि उन लोगों की हम मदद करें, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है और इसीलिए उनका घर नहीं चल रहा है। इसीलिए आज सुबह मैं और मेरे साथी पास में रिलायंस की सुपरमार्केट में गए, हमने हज़ारों किलो राशन खरीदा। आप देख सकते हैं कि हज़ारों किलो राशन है इधर, और भी आएगा। तो हमने एक एक पैकेट बनाए हैं, अगर आप देखेंगे तो हम 4 किलो चावल, नमक, चाय पत्ती, दाल, तेल, शक्कर, ये सब का हम एक पैकेट बना रहे हैं और इस पैकेट को हम उस ज़रूरतमंद के घर पे जाएंगे, जो डेली वेजेस वर्कर्स बोलते हैं उनको, जो रोज़ जाके कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। तो हमारे ये लक्ष्य है कि पहले हम ऐसे 5,000 घरों तक पहुँचे इंशाल्लाह, और उसके बाद अगर और भी लोगों की ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आप भी जितना हो सके अपने अपने एरियाओं में मदद कीजिए, जितना आप कर सके, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी भारत में भूखा पेट ना सोए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज़।